अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन फ्राइड रेसिपी लेके आई हूँ, जो बिल्कुल केएफसी स्टाइल फ्राइड चिकन बनती है। इंशाल्लाह जब आप लोग मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल ये केएफसी स्टाइल लगेगी। तो आप लोग मेरी पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़े की बनती है ये। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी चिकन बिल्कुल अंदर से टेंडर्ड और जूसी है और ऊपर से क्रिस्पी। तो चले आए अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 किलो जो है वो चिकन लिया है। चिकन को मैंने 1 घंटा पहले सिरके में भिगो दिया था, अब मैंने उसको सिरके से निकाल दिया है और मैंने चिकन के यहाँ ज़रा बड़े पीसेस कट करवाए हुए हैं। तो आप लोग भी ज़रा बड़े पीसेस ही कट करवाइएगा। तो चलें अब इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 1 टीस्पून काली मिर्च डालूँगी, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून टार्टरी सिट्रिक एसिड, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका, 2 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस। अब इसमें हम 1 एग डालेंगे। सारे मसालों को अच्छे से चिकन पर रब कर लेंगे ताकि सब मसाले चिकन को अच्छे से लग जाएं। तो ये आप देख सकते हैं मेरी चिकन को सारे अच्छे से मसाले लग चुके हैं। अब इसको मैं मैरिनेशन के लिए तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दूंगी जी। तो अब हम यहाँ एक बैटर बनाएंगे जो हमारा वेट बैटर है। उसमें 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1/2 कप कॉर्नफ्लोर, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, 1/2 कप मैदा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक थिक बैटर बना लेंगे। थिक बैटर को हमने ज़्यादा रनी नहीं करना, एक थिक बैटर बनाना है ताकि चिकन हमारी अच्छे से इसमें कोट हो जाए। अब इसमें 1 टीस्पून मैं ऑरिगानो डाल रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेंगे जी। तो हमारा वेट बैटर बिल्कुल रेडी है। इसी तरह अब हम बनाएंगे एक ड्राई बैटर। तो उसमें उसके लिए मैंने 2 कप मैदा, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून ओरिगानो, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छे से सब चीज़ों को मैदे में मिक्स कर लेंगे जी। तो चिकन हमारी मेरीनेट हो चुकी है, अब इसको हम कोट करेंगे। सबसे पहले इसको हम वेट बैटर में अच्छे से डिप करेंगे जी। तो चिकन को अच्छे से वेट बैटर लग चुका है, अब इसको हम ड्राई मिक्सचर में मिक्स कोट करेंगे। पहले हम ड्राई बैटर चिकन पे अच्छे से डालेंगे, फिर 1 मिनट के लिए इसको प्रेस करेंगे ताकि बैटर अच्छे से चिकन पर लग जाए। अब हमने एक बाउल में बिल्कुल यक ठंडा पानी लेना है, उसमें चिकन को 1 से 2 सेकंड के लिए बस डिप करना है। चिकन को निकाल कर अच्छे से हम झाड़ लेंगे ताकि जो पानी है वो उससे निकल जाए। अब हम दोबारा इसको ड्राई मिक्सचर में डालेंगे और ड्राई मिक्सचर इसके ऊपर डालेंगे और अच्छे से फिर प्रेस करेंगे ताकि हमारे जो है क्रम्स बन जाएँ इसके ऊपर जी। तो प्रेस करके अच्छे से कोट करेंगे। यहाँ पर चिकन जो है वो कोट हो चुका है और इसके ऊपर इस तरीके से क्रम्स भी बन चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से अब मैं बाकी सारी चिकन को कोट करूँगी। चिकन को हमने कोट करने के बाद रखना नहीं है, फौरन इसको जो है ऑयल में फ्राई करना है। यहाँ मैंने पैन में ऑयल रखा हुआ था गर्म होने के लिए। ऑयल जो है वो हमने मीडियम आंच पर रखा हुआ है। चिकन इसमें मैंने डाल दिए, तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको एक साइड पे पकाएंगे जी। तो 3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं चिकन को दूसरी साइड पर पलट रही हूँ।
जी अब दोबारा मैं जो है 3 मिनट बाद जो है चिकन को अब मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि ये दोनों साइड से अच्छे से पक चुकी है। अब इसको अच्छे से हम ऑयल से जो है वो निकाल लेंगे। तकरीबन इस पूरी चिकन ने 8 मिनट लिए पकने में, तो हमारी मज़ेदार क्रिस्पी फ्राइड चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल KFC स्टाइल बनी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह जब आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोग यकीन जाने रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइड चिकन को भूल जाएंगे। तो आप लोग ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेशन में आप लोगों की कैसी बनी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थम्सअप का बटन प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।